Hello everybody, welcome. How are you all? I hope everybody is good. So our today's lecture is voices, जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, active and passive voices. तो आज के इस lecture में हम लोग देखेंगे कि voices होते क्या हैं, active and passive voice क्या रहते हैं, उनको change कैसे किया जाता है, कुछ rules भी discuss करेंगे और उसके साथ साथ कुछ examples भी देखेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि voices होते क्या हैं. A verb which means action of a subject can be expressed in two ways. देखिए, कोई भी subject का कोई भी action रहता है, उसको हम लोग दो ways में express कर सकते हैं. और जो ये ways होते हैं, दो ways जो होते हैं express करने के, यही हमारे क्या कहलाते हैं, voices कहलाते हैं. ठीक है, there are two types of voices. हमारे पास दो तरह की voices होती है, एक होती है active voice और दूसरी होती है आपके पास passive voice. ठीक है, तो चलिए देखते हैं active and passive voice होते क्या हैं. ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे एक्टिव वॉइस के बारे में. द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस. देखिए, जब भी कोई भी सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में रहता है, तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा रहता है, कुछ सब्जेक्ट आता है पहले, फिर वर्ब रहता है, एंड देन उसका ऑब्जेक्ट रहता है. ठीक है, इन द एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट इज टिपिकली द पर्सन और थिंग परफॉर्मिंग द एक्शन. देखिए, एक्टिव वॉइस में जो आपका सब्जेक्ट होता है, वो इंसान होता है या चीज होते हैं जो क्या करता है, एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है. ठीक है, एंड विच कैन टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और वो क्या करता है, अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेता है. जैसे आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, शी एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे यूज हो रहा है. ठीक है, ये आपका एक्टिव वॉइस है, शी एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है. लव्ड, लव्ड यहाँ पे आपका काम आ रहा है. ठीक है, वर्ब आ रहा है, शी लव द कैट, और कैट यहाँ पे क्या आ रहा है, आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है. ठीक है, तो ये आपके पास एक फॉर्मेट बन गया है एक्टिव वॉइस का. चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे, पैसिव वॉइस. ओके, पैसिव वॉइस, द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसिव वॉइस सेंटेंसेज इज. अब पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं. इसमें पहले ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, फिर उसके बाद वर्ब रहता है, देन बाद में आपका सब्जेक्ट आता है. इन द पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन बाय द वर्ब. देखिए, जो आपका पैसिव वॉइस रहता है ना, इसमें उल्टा रहता है, जो आपका सब्जेक्ट होता है वही एक्ट कर रहा होता है आपके वर्ब के ऊपर. ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे द कैट, यहाँ पे आपका कैट क्या है, ऑब्जेक्ट है, वॉज लव्ड. ठीक है, वॉज लव्ड, लव यहाँ पे वर्ब आ गया, बाय हर, तो बाय हर यहाँ पे, हर जो है यहाँ पे क्या है, आपका सब्जेक्ट आ गया. ये आपका फॉर्मेट बन गया पैसिव वॉइस का. चलिए आगे देखते हैं कि सेंटेंसेस कैसे चेंज होते हैं एक्टिव से पैसिव में. रूल्स फॉर कन्वर्टिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस. अब हम पहले सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे. तो देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं कि वॉइसेस पढ़ने से पहले आपको टेंसेस की पहचान होना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर आपको टेंसेस की पहचान होगी, तभी आप आगे इनको अटेम्प्ट कर पाएंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर एक्टिव वॉइस में रहेगा, तो उसका फॉर्मेट कुछ ऐसा रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन बाद में ऑब्जेक्ट. अब एक्टिव वॉइस हमारे पास है, हमें इसे चेंज करना है पैसिव वॉइस में. जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लेंगे, देन हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, इज एम आर का, फिर उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, और देन हम लोग सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लेंगे. ठीक है, आई होप कि आप क्लियर हो गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनेट का अगर एक्टिव वॉइस रहे, तो उसको हम लोग पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, और अगर आपके पास पैसिव में आता है, तो एक्टिव में भी आप ऐसे ही चेंज करेंगे सेम. ठीक है, रिवर्स कर देंगे उसको. चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. जब हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आता है, तो उसका एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट रहता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन आई एन जी. ठीक है, ये आपका क्या है, फॉर्मेट एक्टिव वॉइस का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का. उसके बाद जब हम उसको पैसिव में चेंज करेंगे, तो कैसे बनेगा ये, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद इज एम आर में से एक हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग, और बीइंग के बाद आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. ठीक है, बीइंग के बाद आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म. तो ये लर्न करने वाली चीजें हैं, मैं सिर्फ फॉर्मेट बना के यहाँ पे बता सकती हूँ, अदरवाइज बाकी आपको ये लर्न ही करना पड़ेगा. ओके, उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. जब हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो वो एक्टिव वॉइस कुछ इस तरह से रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन उसका ऑब्जेक्ट. जब हम इसकी एक्टिव वॉइस को चेंज करेंगे पैसिव में, तो हम लोग कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट हैज हैव
हम लोग सिर्फ क्या करेंगे यहाँ पे बीन का यूज कर देंगे, बाकी आपका फॉर्मेट सेम ही है, सिर्फ ऑब्जेक्ट और ये रिप्लेस होगा सब्जेक्ट। फिर उसके बाद आती है बात प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को कैसे चेंज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वी मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी कॉन्टिन्यूटी को शो करने के लिए। इसको जब हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट हैज या हैव प्लस बीन बीइंग प्लस वी थ्री, ठीक है, ऑब्जेक्ट हैज या हैव प्लस बीन प्लस बीइंग प्लस वी थ्री। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। ओके उसके बाद बात आती है हमारे पास यहाँ पे पास्ट टेंस की, पास्ट इंडेफिनेट। अब इसको कैसे चेंज करेंगे हम वो देखते हैं। एक्टिव वॉइस तो ये सेम रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसमें सिर्फ वी टू का यूज होता है पास्ट इंडेफिनेट में। तो सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट ये आपका इसका एक्टिव फॉर्म है। इसको हम लोग पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वी थ्री प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट लिखेंगे फिर उसके बाद वॉज या वर का यूज करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट का यूज करेंगे। उसके बाद बात आती है पास्ट कॉन्टिन्यूस की। जब पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे यहाँ पे, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस का जो एक्टिव वॉइस रहेगा वो कैसा रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको हम लोग चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस बीइंग प्लस वी थ्री, ठीक है, ये इसको चेंज करने का फॉर्मेट है पैसिव वॉइस में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। ओके नेक्स्ट आगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर आपकी एक्टिव वॉइस होगी तो उसका फॉर्मेट ऐसा होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, हैड का यूज होगा इसमें भी जैसे परफेक्ट में होता है, आपको पता है उसका रूल। तो अब इसको हम लोग जब पैसिव में चेंज करेंगे तो कैसे होगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वी थ्री प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सब्जेक्ट प्लस हैड हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन आई एन जी। अब इसको हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस बीइंग प्लस वी थ्री, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस बीइंग प्लस वी थ्री, ये फॉर्मेट रहेगा आपका पैसिव वॉइस का। चलिए नेक्स्ट आगे फ्यूचर का देखते हैं। ओके फ्यूचर, फ्यूचर में यहां पे आपका विल का यूज किया गया होगा, उसका फॉर्मेट कुछ ऐसा रहेगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। जब आप इसको चेंज करोगे पैसिव में तो कैसे करोगे, ऑब्जेक्ट का यूज करोगे प्लस विल वी का यूज करोगे प्लस वी थ्री का, ठीक है, वी थ्री प्लस सब्जेक्ट, ये फॉर्मेट रहेगा पैसिव वॉइस का। अब देखिए यहाँ पे फ्यूचर के बारे में बात आ रही होगी, गोइंग टू, ठीक है, जहां पे कुछ ऐसा सेंटेंस होगा उस केस में आपका फॉर्मेट ऐसा रहेगा कुछ, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर मतलब हेल्पिंग वर्ब्स प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब मतलब वी वन, ठीक है। जब आप इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो कैसा हो जाएगा ये, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस गोइंग टू बी, पैसिव वॉइस में आपका गोइंग टू बी बन जाएगा प्लस वी थ्री, ठीक है। पैसिव में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब्स प्लस गोइंग टू बी प्लस वी थ्री, ये आपका फॉर्मेट है पैसिव वॉइस का। ओके नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस जहां पे विल शेल का यूज किया गया हो उसका एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट रहता है, सब्जेक्ट विल या शेल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, ठीक है, ये रहता है उसका एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट। जब हम लोग इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट विल या शेल प्लस वी प्लस बीइंग प्लस वी थ्री प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। उसके बाद आता है हमारे पास फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, जहां पे आपका वी गोइंग टू लिखा होगा बीच में कहीं किसी सेंटेंस में, तो उसका एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट कुछ ऐसा रहता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस गोइंग टू प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन आई एन जी। तो उसका पैसिव वॉइस क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा पहले, फिर इज एम आर में से कुछ एक प्लस गोइंग टू बी प्लस बीइंग प्लस वी थ्री, ये इसका पैसिव वॉइस का फॉर्मेट रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है फ्यूचर परफेक्ट।
जहां पे आपका विल का यूज किया गया होगा. एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट रहेगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट. ठीक है, ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट रहेगा. फिर उसके बाद जो उसका पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट. अब देखिए जो फ्यूचर वाला टेंस है ना, इसी में कुछ प्रॉब्लम्स आती है, इसी में कंफ्यूजन्स क्रिएट होती है. अदरवाइज जो आपका पास्ट और प्रेजेंट है वो नॉर्मल रहता है, वो उतना ज्यादा टफ नहीं होता. फ्यूचर वाले में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है. उसके बाद आता है फ्यूचर परफेक्ट वी गोइंग टू. इसमें आपका जो एक्टिव वॉइस का रहेगा फॉर्मेट वो रहेगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर हेल्पिंग वर्ब्स प्लस गोइंग टू प्लस हैव प्लस V3. जब आप इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब्स प्लस गोइंग टू प्लस हैव बीन प्लस V3. हैव के साथ बीन का यूज हो जाएगा यहाँ पे, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. ओके, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जहां पे आपका विल का यूज किया गया हो. उसका फॉर्मेट रहता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब प्लस ING. ठीक है, सब्जेक्ट विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब एंड देन ING. उसका जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव बीन प्लस बीइंग प्लस V3. ये आपका पैसिव वॉइस का फॉर्मेट बन जाता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का. उसके बाद बात आती है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, जहां पे गोइंग टू भी है जो. ठीक है, तो इसका जो आपका एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट रहता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस गोइंग टू प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ING. और इसका पैसिव जो बनता है वो क्या बनता है आपके पास, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस गोइंग टू प्लस हैव बीन प्लस बीइंग प्लस V3. ठीक है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, बाय मिस्टेक है यहाँ पे. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. ओके, कुछ हमारे पास डिफरेंट केसेस भी आते हैं, वो देखते हैं. फ्यूचर इन द पास्ट, मतलब जो सेंटेंस आपका फ्यूचर में भी फॉल करा और कुछ पास्ट में भी मतलब हुआ हो, वैसा तो मिक्सअप सा बन गया हो फ्यूचर और पास्ट का, उन केसेस में आपका एक्टिव वॉइस कैसा रहता है, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. जब हम इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो कैसे बनाते हैं, पहले ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं प्लस वुड देन वी प्लस V3. ठीक है, ये आपका कुछ डिफरेंट जो आपके होते हैं फॉर्म्स होते हैं उनको कैसे चेंज किया जाता है, ये वो है. उसके बाद बात करते हैं आगे नेक्स्ट जो है मोडल्स और वर्ब्स, जिसमें दो चीजों का यूज किया गया हो. जब हमारे पास सब्जेक्ट आएगा एक्टिव में प्लस मोडल आएगा, मोडल वर्ब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो कैसे बन जाएगा, ये ऑब्जेक्ट प्लस मोडल वर्ब प्लस वी प्लस V3, ये आपका मोडल वर्ब का रहेगा. चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं. ओके, एग्जाम्पल्स हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट है आई मेक अ केक. अब आप देख सकते हैं ये वाला जो आपके पास सेंटेंस है ये फॉल कर रहा है प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में. तो प्रेजेंट इनडेफिनेट को हम लोग कैसे चेंज करेंगे, जो आपका यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है इसको पहले लिखा जाएगा, फिर इसका यूज किया जाएगा, फिर उसके बाद आपका वर्ब आएगा. ठीक है, यहाँ पे वर्ब आएगा और बाद में वर्ब की फॉर्म आपकी थर्ड रहेगी यहाँ पे, और उसके आगे आपका यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा. ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट भी आ गया है आपके पास, इज भी है, वर्ब भी है, उसके बाद सब्जेक्ट भी है, ये आपका इसका पैसिव वॉइस में बन गया. उसके बाद नेक्स्ट है दे आर प्लांटिंग सम ट्रीज, ये आपका कौन से सेंटेंस में है, उसमें टेंस में है, यह आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में. तो इसको चेंज कैसे करेंगे, जो उसकी ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बना देंगे यहाँ पे. सम ट्रीज आर इज एम आर में से आर का यूज किया गया है, बीइंग और V3 प्लांटेड. ठीक है, ये आपका पैसिव वॉइस बन गया अकॉर्डिंग टू आर रूल्स. उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, समवन हैज ईटन माय एप्पल, हैज का यूज किया है, थर्ड फॉर्म का यूज किया, तो दैट मींस कि आपका कौन सा वाला टेंस है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. अब इसको चेंज कैसे करेंगे, जो इसमें आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, इंटरचेंज रहते हैं ये, तो यहाँ पे क्या आएगा, माय एप्पल हैज बीन का यूज किया जाएगा, हैज बीन और V3 ईटन. ठीक है, आपकी क्लियर हो गया होगा आपको. ओके, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आएगा माय एप्पल्स हैज बीन ईटन बाय समवन. ठीक है, तो उसके बाद है दे रिस्टोर्ड द बिल्डिंग. अब देखिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज किया गया, आपका पास्ट में जा रहा है. ठीक है, तो आप मान लीजिए पास्ट इनडेफिनेट है. अब इसको चेंज कैसे करेंगे, ये जो आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बन जाएगा यहाँ पे, द बिल्डिंग
was का यूज होगा, v3 का यूज होगा, एंड देन आपका आगे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, आई मीन सब्जेक्ट आ जाएगा बाय देम. फिर उसके बाद आ रहा है नेक्स्ट, अली वॉज राइटिंग अ लेटर. अब आप देखिए ये आपका आ रहा है पास्ट कॉन्टिन्यूस में, तो इसको चेंज कैसे करेंगे. यहां पे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपका सब्जेक्ट में काम करेगा और लेटर वॉज बींग का यूज होगा रिटन वी थ्री बाय अली. ठीक है, अ लेटर वॉज बींग रिटन बाय अली. आई होप कि मैंने जो बताया होगा आपको समझ में आया हो अच्छे से. और अगर आप ये रूल्स भी करते हैं तो ये सफिशियंट है आपको एक्टिव को पैसिव में चेंज करना, जैसे आप इससे इजिली कर सकते हैं. और अगर आपको पता हो कि अगर ये वाला टेंस आपका ये इसमें चेंज होता है तो अगर कहीं पे एरर भी रहे तो आप उसको स्पॉट कर सकते हो. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.